हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, जहां आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप विंडोज़ का बूट लोगो किस तरह से चेंज कर सकते हो। तो इसके साथ ही मैं कुछ लोगोस हैं मेरे पास पड़े हुए हैं, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे जाके आपने सर्च कर लेना है सिस्टम इन्फॉर्मेशन, इसको ओपन कर लेना है और आपने देखना है अपना बायोस मोड कौन सा है। अगर UEFI है तो ठीक है, अगर लेगेसी मोड है तो नहीं ठीक, तो आपको अपनी विंडोज़ जो है UEFI मोड पे इंस्टॉल करनी होगी। अब ये कैसे करना है, इसके लिए आप सेपरेट वीडियो कोई भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ देखनी है आपने, वो देखना है कि आपका जो सिक्योर बूट है ये वाला फीचर ऑफ होना चाहिए। अगर ये सेटिंग इस तरह नहीं है तो अपने बायोस में जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। नंबर टू पे आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये जिप फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। और नंबर थ्री पे जो स्टेप है वो बहुत सिंपल है, आपने इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है और इस फोल्डर को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे ये वाली एप्लीकेशन आपने रन करनी है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने आई प्रेस करना है, इस नोटपैड फाइल को क्लोज कर देना है, फिर यहाँ पे पेंट खुल जाएगा। और ये लोगो, और ये जो लोगो है ये तो मैंने पहले से अप्लाई किया हुआ है, तो आप इसे चेंज कर सकते हो। तो इसे चेंज कैसे करना है, मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ, मेरे पास कुछ लोगो पड़े हुए हैं तो उसमें से मैं कोई एक लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसमें से मैं ये वाला लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको कंट्रोल आल पे कॉपी कर लेता हूँ। और इसको मिनिमाइज़ करने के बाद हम वापस अपने दूसरे पेंट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और फिर इसके बाद सेव करके इसको क्लोज़ कर दूँगा। और इसके बाद जब भी आप इसको क्लोज़ करोगे तो यहाँ पे ये आपको प्रॉम्प्ट मांगेगा कि कोई भी की प्रेस करें। तो इससे हमारा बूट जो लोगो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो इसके बाद आपको अपनी विंडोज़ को रीस्टार्ट करना है।